शत्रुघ्न सिन्हा हाल ही में लाहौर एक शादी समारोह में शामिल होने पाकिस्तान पहुंचे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में हैरानी भरा माहौल बन गया। अब खबर आई है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी से मुलाकात की है और देश के साथ गद्दारी करते हुए वहां कश्मीर मसले पर भी चर्चा की है। देखते हैं रिपोर्ट। नागरिकता कानून में संशोधन भारत का अंदरूनी मामला है, उसी तरह कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को निष्क्रिय करना भी भारत का अंदरूनी मसला है। भारत द्वारा 370 को निष्प्रभावी बनाने के बाद पाकिस्तान ने पूरे जी जान से कोशिश की थी कि कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए, लेकिन मोदी सरकार की कूटनीति के चलते उसे कामयाबी हाथ नहीं लगी। पाकिस्तान की इस कोशिश में भारतीय विपक्ष ने भरपूर साथ दिया, बल्कि अब तक दे रहा है। ऐसे विपक्षी नेताओं में ताजा नाम शत्रुघ्न सिन्हा का जुड़ चुका है। इतना ही नहीं, हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा पाकिस्तानी कारोबारी मियां असद अहसन के बेटे की शादी में शिरकत करने लाहौर पहुंचे थे। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें वे पाकिस्तानी अदाकारा रीमा खान के साथ दिखाई दे रहे थे। खबर ये भी थी कि शत्रुघ्न सिन्हा उस शादी समारोह के बाद पाकिस्तान में कुछ राजनेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी से गवर्नर हाउस में मुलाकात की। दोनों ही नेताओं ने इस पर सहमति जताई कि इस उपमहाद्वीप में अमन चैन को बढ़ावा देने के लिए काम करने की अत्यधिक आवश्यकता है। अलवी के दफ्तर की तरफ से जारी बयान में ये भी कहा गया है कि दोनों के बीच कश्मीर समेत अन्य मुद्दों पर भी बातचीत हुई। हालांकि अब तक शत्रुघ्न सिन्हा के पाकिस्तान जाने पर कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जहां भारत एक ओर हर बार अपना स्टैंड क्लियर करता हुआ आया है कि ये भारत का आंतरिक मसला है, उस पर बार बार विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है और अब कांग्रेस के नेता गुपचुप तरीके से पाकिस्तान जाकर वहां इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं। भले ही शत्रुघ्न सिन्हा के पाकिस्तान में राजनेताओं के साथ अच्छे संबंध हो, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि कांग्रेस के नेताओं को पाकिस्तान जाकर वहां कश्मीर मुद्दे पर चर्चा करनी पड़ रही है और उसके बाद झूठ बोलने की जरूरत पड़ रही है कि उन्होंने वहां कश्मीर मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की। ऐसा ही गद्दारी भरा काम इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू कर चुके हैं और अब शत्रुघ्न सिन्हा ने भी यही किया है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।